हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंकिंग एग्जाम के लिए आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पे मिलती हैं। जीरो से पीओ हमने एक मॉर्निंग में सेशन स्टार्ट किया है, जो कि 11 बजे हमारे बैंक बी चैनल पे लाइव होता है। साथ के साथ हम कैट लेवल, मेंस लेवल, जो आजकल पीओ मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं कैट लेवल जैसे, उसके लिए हमने 5 PM पे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। तो दोनों बेसिक और मेंस लेवल की ये क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करिए मॉर्निंग में बैंक वी चैनल पे। तो चलिए आज बात करते हैं एसबीआई पीओ का कट ऑफ के बारे में। एसबीआई पीओ के बारे में आपको पता चल गया होगा हमारे लास्ट वीडियो से, किसका नोटिफिकेशन आने वाला है। दिसंबर में इसके एग्जाम है, तो स्टूडेंट्स अभी आप इसकी तैयारी में लग जाइए, बिकॉज इसमें प्रिपरेशन में टाइम लगता है, डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं इसकी पिछले 6 साल की कट ऑफ के बारे में, और अभी हम बात करेंगे प्रीलिम्स की कट ऑफ में। एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें हम मेंस और इंटरव्यू वाली कट ऑफ की भी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। प्री का जो एग्जाम होता है यहाँ पे 100 मार्क्स के लिए होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, क्वांट के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। इन सब के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। स्टूडेंट्स, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। पिछले 5-6 साल से उन्होंने सेक्शनल जो कट ऑफ है वो हटा दी है एसबीआई के प्री और मेंस दोनों से। आइए बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी रहती है। तो मैं आपके लिए पिछले 6 साल का डेटा यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले रिसेंट 2022 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे कट ऑफ गई थी 59.50। हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100, 100 में से आपको 59.5 वाले मेंस में आगे क्वालिफाई हो गए थे। 2021 में ये 63 गई थी और 2020 में 58.5 गई थी, 2019 में ये 71 गई थी। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो यहाँ पे गई थी 71, उसके बाद आप देख सकते हैं 63 यहाँ पे गई थी, और उसके बाद हाईएस्ट अभी लास्ट ईयर 59.50। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ भी, सॉरी जो वैकेंसी है वो भी कम हुई थी। जनरली 2000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे रह रही है, आप देखिए लगभग 2000 है। 2017 में 2300 थी, उसके बाद कंसिस्टेंट 2000 के आसपास रह रही है, और लास्ट टाइम यहाँ पे 2000 से भी कम वैकेंसी हुई थी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कट ऑफ, इससे पहले अगर आप देखें 2019 से पहले 56 थी, उससे पहले 17 में 51.50 थी। So, अगर आप एक ट्रेंड देखें स्टूडेंट्स, तो आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मली 60 के अबाउट घूम रही है। अगर आप पिछले लास्ट 3 इयर्स को देखें, यहाँ पे क्लोज टू 60 है, यहाँ 60 और ये 60 से अबव है। 2019 में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई थी। और ये जो पेपर है नॉर्मली इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्री के अंदर देखने को मिलते हैं। मेंस जो आता है वो बहुत डिफिकल्ट आता है, उसमें आपको लेंथी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। उसकी भी कट ऑफ की हम वीडियो में बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउट ऑफ 100 आपको लगभग 60 के आसपास नंबर लाने होते हैं जिससे आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि इसमें सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है, तो अगर आप किसी 2 सेक्शन में बहुत अच्छा करते हैं और किसी 1 में अगर आप कमजोर भी हैं तो भी इस पेपर को अच्छे से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी तैयारी में लग जाइए। एक गुड न्यूज है, हम आई एग्जाम की तरफ से एक नया एसबीआई पीओ एक्सक्लूसिव बैच लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप एक गूगल फॉर्म करिए, आपको डिटेल जल्दी मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें स्पेशल बैच में क्या होने वाला है। आपको यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी जो आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन में कहीं भी नहीं मिलती है। ऑल्सो आपके यहाँ पे 1-on-1 होंगे विथ फैकल्टी, सिर्फ आप और फैकल्टी होंगे। आपका एक स्टार्टिंग में इंट्रो होता है, इंट्रो में आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। इसके अलावा स्टार्टिंग में 0 लेवल पे आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाता है और उसे एनालाइज भी फैकल्टी करती है, और बेस्ड ऑन दैट आपको गाइडेंस दी जाती है और पर्सनलाइज आपको स्टडी प्लान बना के दिया जाता है। आपको हर मंथ के टारगेट दिए जाएंगे कि कैसे आपको करना है और कितना काम करना है, कितनी मेहनत करनी है, और फिर आपके फोर्टनाइटली टेस्ट भी होंगे। फोर्टनाइटली टेस्ट भी यहाँ पे होंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का इवैल्यूएशन भी होगा, क्योंकि मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होता है, तो उसे भी आपको फैकल्टी इवैल्यूएट करके देंगे।
प्लस आपके लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों के, तो उसके लिए स्पेशल ग्रुप्स आपके लिए बनेंगे। एंड फोर्ट नाइटली आपका एक मॉक टेस्ट, हर 15 दिन के बाद आपके लिए एक टेस्ट दिया जाएगा और उसके बेस पे आपकी फिर से परफॉर्मेंस चेक होगी। तो मंथली आपकी परफॉर्मेंस की बजाय फोर्ट नाइटली यहाँ पे होगी। एंड जो आपको क्लासेस देंगे डेली लाइव क्लासेस होगी, एक्स बैंकर्स हैं और मोर देन 10 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा एग्जाम्बी के यूट्यूब चैनल पे आपको एक्स बैंकर्स एंड मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीए के एक्सपर्ट्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वो आपको क्लास में गाइड करेंगे। कोर्स के अंदर वीडियोस भी होंगी, टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी होंगे, वो सब कुछ तो होगा ही, प्लस ये एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे। इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं, सो स्टूडेंट्स ये जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए, आपको इसकी ज्यादा जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, राइट, थैंक यू।